दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ लैब असिस्टेंट एग्जाम। दोस्तों अब से कुछ देर पहले यानी 2 बजे ये पेपर संपन्न हो चुका है। लैब असिस्टेंट 1200 पदों के लिए तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और दोस्तों तकरीबन 70-75% उपस्थिति यहाँ पर रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर दोस्तों लैब असिस्टेंट में जो पेपर आया था वो आपके सामने है। जो भी दोस्त RSM बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आगामी किसी भी राजस्थान सरकार की वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेपर। आप ये ना समझें कि ये पेपर तो सबके पास है, आप आंसर की बताएं। दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान की या हमारे द्वारा तैयार की गई आंसर की तैयार हो जाएगी तो मैं आपको लैब असिस्टेंट के आंसर की भी बता दूंगा। पहले मैं ये पेपर इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो देखना चाहते हैं कि पेपर कैसा आया था, तो बिल्कुल आप इस पेपर को देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 घंटे का टाइम मिला था और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो दोस्तों मैं पेपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर राजस्थान GK की हम बात करें तो राजस्थान GK यहाँ पर कुछ हद तक सिंपल पूछा गया है। और जो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एक अभ्यर्थियों से मेरी बात भी हुई है तो बता रहे हैं कि पेपर जो सब्जेक्ट पेपर है वो यहाँ पर टफ आया है। तो कट ऑफ इतना ज़्यादा इसमें नहीं जाने वाला है। जिस तरीके का यहाँ पर पेपर है आपके सामने आप भी देख सकते हैं, राजस्थान की GK शुरुआत में पूछी गई है तो बहुत ही यहाँ पर राजस्थान GK की तो मैं ये कहूँ अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, देख सकते हैं हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है, बेगू किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, आंदोलन से रिलेटेड की भी काफ़ी सवाल यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, ये कालीबाई से रिलेटेड सवाल था, कहाँ की घटना थी, ठीक है डूंगरपुर की थी, ये अध्यापक को मुक्त करने के द्वारा गोलियों द्वारा भून दिया गया था, किस जिले की थी, डूंगरपुर की थी। ठीक है, और इस तरीके से ये पूछा गया है आपके चांद बावड़ी से रिलेटेड सवाल आया था, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चांद बावड़ी आभानेर, ठीक है ये लोक देवता या इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं, ये देख सकते हैं आप राजस्थान GK के सवाल। और दोस्तों ये ऊँट का वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया था और सोम कमला अम्बा परियोजना। दोस्तों इससे ये सवाल काफ़ी एग्जाम्स में आता है और इस लैब असिस्टेंट एग्जाम में भी राजस्थान GK के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपके सामने पेपर है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं इस पेपर का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इस पेपर को देखने के इच्छुक हों वो देख सकते हैं, जो नहीं देखना चाहें उनको भी मैं प्रेस नहीं करूँगा। और ये यहाँ पर आपकी साइंस के सवाल आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप साइंस के सवाल, ये पूर्ण सत्ता, ये बायोलॉजी और आपके बोटनी से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। पूर्ण सत्ता का शब्द किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों पूरा का पूरा आप 30 पेज के अंतर्गत 150 सवालों का ये यहाँ देख सकते हैं लैब असिस्टेंट पेपर। तो दोस्तों जैसे ही आंसर की आएगी तो बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा एक नए वीडियो के माध्यम से। फिलहाल के लिए आप पेपर देख सकते हैं तो बिल्कुल देखिए आप। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। सिर्फ इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन अभ्यर्थियों को ये पेपर दिखलाना था और उन तक ये जानकारी पहुंचानी थी कि लैब असिस्टेंट का पेपर ऐसे आया है, तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम हो वो इस पेपर को ज़रूर देख लें राजस्थान GK। इसके अलावा साइंस से रिलेटेड भी आप सवाल देख सकते हैं। और मज़े की बात यह दोस्तों, अगर अगली बार लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आए तो प्रीवियस पेपर काफ़ी लाभदायक होते हैं। आप लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो ये उस टाइम भी काम आएगा, इसलिए आप इसे डाउनलोड करके रख लें। अगर आपके पास है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये पूछा गया था आज, तो सब्जेक्ट पेपर यहाँ पर दोस्तों टफ यहाँ पर आया है सब्जेक्ट का पेपर। राजस्थान GK की मैं बात करूँ तो सिंपली वे में सरल पूछा गया है, जबकि सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर टफ है। और दोस्तों कट ऑफ इसका बता दिया जाएगा आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर की क्या कट ऑफ इसकी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।